क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है, 17 प्लस 6 पी इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इस बार वेरिएबल हमको पी मिला है, ठीक है। तो नया वेरिएबल है पी, एक्स वाई की जगह में पी का यूज किया है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, 6p में 6 को तो हटा नहीं सकते क्योंकि प्लस का फंक्शन है, तो प्लस के फंक्शन के लिए का ही सबसे पहले हम जो 17 है, 17 और ये दोनों प्लस के फंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले 17 को कैंसिल करना पड़ेगा, बाद में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें कोई भी डिवाइड काम नहीं करेगा, जैसे 6 से डिवाइड किया तो डायरेक्ट इसमें 6 का डिवाइड नहीं करेगा, पूरे का पूरे साइड में डिवाइड होता है, ठीक है। एक साइड में पूरे पूरे साइड में डिवाइड होता है, पूरे पूरे साइड में प्लस या माइनस होता है, ठीक है। तो डिवाइड हम एक साइड में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 17 प्लस 6 पी, सॉरी क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 को ये साइड में ले जाएंगे, तो 6 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 17 हो जाएगा, प्लस 17 है ये साइड में जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है, 6p रह गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 17 ऑन RHS, RHS में हमने 17 को पहुंचा दिया, ठीक है। अब वैल्यू क्या हुआ, 6p इज इक्वल टू 8 हो गया, वो भी माइनस में हुआ, माइनस के साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17 माइनस में है, 9 प्लस में है, तो माइनस में 8 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6p में से 6 तो हमको हटाना ही है, ठीक है। अब तो ये अकेला हो गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप अकेला हो गया, ठीक है। तो अकेला ग्रुप हो गया तो अब डिवाइड और मल्टीप्लाई इसमें अकेले पे काम करेगा, ठीक है। ये अकेला ग्रुप है, ये अकेला ग्रुप है, प्लस जब भी आ गया तो सब ग्रुप अलग अलग हो गया, मल्टीप्लाई वाला एक ग्रुप एक साथ, ठीक है, अकेला वाला ये एक साथ, ठीक है। तो पहले ये इसको हटा के और एक ग्रुप अकेला कर लेते हैं, तो क्या हो गया, 6p/6 और ये क्या हुआ, -8/6, ठीक है। डिवाइड दोनों साइड में 6 से कर दिए, क्या लिखे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, 6 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हुआ, 6 1 जा 6 6 1 जा 1 6 कट गया, और ये क्या हुआ, 2 3 जा 6, 2 4 जा -4 जा -8, ठीक है। तो P का वैल्यू जो है वो हो गया -4/3 आंसर, ठीक है। -4/3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है।